रहीम, ATP is energy currency, page 131 पे ATP का स्ट्रक्चर और उसका रोल और उसकी इम्पोर्टेंस। ATP क्यों अहम है? अब पहले ATP क्या है? ATP को हम कहते हैं ये एक बायो मॉलिक्यूल है। क्या है ये? बायो मॉलिक्यूल्स है, लिविंग थिंग्स की बॉडी में मौजूद है, इस वजह से हम इसको कहते हैं बायो मॉलिक्यूल है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ATP इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल्स। लिविंग थिंग्स नीड एनर्जी टू सर्वाइव। अब एनर्जी कहाँ से आती है? ब्रेकडाउन ऑफ फूड से आती है। अब किस फॉर्म में आती है? हमने स्टार्ट में पढ़ा था कि हम नेचर ऑफ एनर्जी को भी स्टडी करेंगे। तो अब नेचर क्या है? सेल्स यूज एनर्जी फॉर परफॉर्मिंग एक्टिविटीज लाइक सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन्स बनाना एक एक्टिविटी है, सेल डिवीजन एक एक्टिविटी है, एंड ग्रोथ वगैरह जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनके लिए लिविंग को एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। एनर्जी कहाँ से आती है? एनर्जी इज प्रोवाइडेड टू ऑल लिविंग सेल्स बाय एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ATP, जो एनर्जी का हम कहते हैं करेंसी है। एनर्जी हम इसमें काउंट कर रहे हैं, जिस तरह हम अगर फॉर एग्जांपल हम कहते हैं मनी, पैसे, हम जो है रुपया में, डॉलर्स में, या फिर किसी और करेंसी में, हम इसको हर एक मुल्क की अपनी अपनी करेंसी होती है। तो इसी तरह एनर्जी की भी हमारे लिविंग थिंग्स की बॉडी की जब हम बात करते हैं तो वो करेंसी क्या है? ATP है। ATP के शिकल में एनर्जी स्टोर होती है। इट इज़ एन एनर्जी रिच मॉलिक्यूल। इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी स्टोर होती है ATP, एंड इट्स कॉल्ड इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। सेल के लिए एनर्जी की करेंसी है। सेल्स मेक ATPs टू स्टोर एनर्जी वाइल दे ब्रेक ATPs टू गेट एनर्जी। जब सेल्स को ATP रिक्वायर्ड होती है, ATP या फिर रिक्वायर्ड नहीं भी है लेकिन अगर कोई इजाफी एनर्जी है तो सेल उसको ATP के शिकल में स्टोर करते हैं। तो सेल्स एनर्जी स्टोर भी ATP के शिकल में करते हैं, रिलीज भी यही ATP से करते हैं एनर्जी वाइल दे ब्रेक ATPs टू गेट एनर्जी। और जब उनको एनर्जी की ज़रूरत होती है तो फिर वो क्या करते हैं? उस ATP की ब्रेक डाउन करते हैं और एनर्जी वहाँ से रिलीज होती है। अब ATP मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर किस तरह है? ये पेज 131 पे ATP का स्ट्रक्चर है। तीन उसके कंपोनेंट्स हैं। पहले को हम कहते हैं राइबोस शुगर। राइबोस शुगर जो पेंटोज है, 5 कार्बन वाला शुगर है। फिर है एडिनिन जो नाइट्रोजीनियस बेस है, और जो हमने पढ़ा था DNA या फिर RNA में नाइट्रोजीनियस बेस हमने पढ़े हैं, एडेनिन, गुआनिन, थायमिन, साइटोसिन या फिर यूरासिल RNA में होता है। तो यही एडेनिन नाइट्रोजीनियस बेसिस में से कोई एक बेस है एडेनिन, जिसको हम कहते हैं ये एडेनिन है। एक पेंटोज शुगर हुआ कार्बन नंबर 2 पे, सॉरी कार्बन वन पे यहाँ से एडेनिन अटैच है। कार्बन 1, 2, 3, 4 और ये कार्बन नंबर 5 है। तो कार्बन नंबर 1 के साथ एडेनिन अटैच है, फिर कार्बन नंबर 5, यहाँ पर कार्बन 5 है, ये राइबोस शुगर है, और उसके बाद 3-फॉस्फेट है, हम कहते हैं ट्राईफॉस्फेट, 3-फॉस्फेट्स है, वो कहाँ पर अटैच है? विद कार्बन नंबर 5। कार्बन नंबर 5 पे 3-फॉस्फेट अटैच है। तो ये एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट ATP का स्ट्रक्चर है। ATP मॉलिक्यूल हैज 3 कंपोनेंट्स। 1 एडेनिन, जिसको हम नाइट्रोजीनियस बेस हमने कहा, 1 राइबोस शुगर जो 5 कार्बन वाला है उसको हम पेंटोज कहते हैं, एंड 3 फॉस्फेट ग्रुप्स। 3 फॉस्फेट ग्रुप्स हैं, हमने पढ़ा कार्बन नंबर 5 पे राइबोस शुगर के साथ वो अटैच है। और ये जो फॉस्फेट ग्रुप्स हैं इनमें का फॉस्फेट नंबर 1 लेस एनर्जी वाला बॉन्ड है, फॉस्फेट नंबर 2 और थर्ड जो फॉस्फेट मौजूद है वो हाई एनर्जी फॉस्फेट है। द कोवेलेंट बॉन्ड्स बिटवीन फॉस्फेट ग्रुप्स आर हाई एनर्जी बॉन्ड्स। इनमें जो बॉन्ड्स हैं स्पेशली 2 और 3, सेकेंड और थर्ड जो बॉन्ड है ये हाई एनर्जी बॉन्ड है। इस तरह ये फर्स्ट जो है इसको हमने स्ट्रेट लाइन से हम डिनोट करते हैं, तो स्ट्रेट लाइन का मतलब यहाँ पर कम एनर्जी, और जो कर्व लाइन है कर्व लाइन में एनर्जी ज़्यादा है। तो ये हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड्स है। अब सेल एनर्जी इस शक्ल में स्टोर करता है। अब अगर एनर्जी रिक्वायर्ड हो तो फिर क्या करते हैं सेल? इस एनर्जी को ब्रेक करते हैं, इसकी ब्रेक डाउन करते हैं, इसको हम कहते हैं हाइड्रोलिसिस। वाटर मॉलिक्यूल की एडिशन से ये ATP ब्रेक होता है। ADP में डाईफॉस्फेट प्लस 1
इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज होता है, उसके साथ साथ एनर्जी रिलीज होती है 7.3 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज होती है। व्हेन अ सेल नीड्स एनर्जी वन बॉन्ड बिटवीन फॉस्फेट ग्रुप्स इज ब्रोकन, फर्स्ट बॉन्ड जो है ये ब्रेक होता है। अब एक बॉन्ड जब ब्रेक होता है तो क्या होगा, 7.3 या फिर 7300 कैलोरी या फिर 7.3 किलो कैलोरी, किलो का मतलब है 1000 एनर्जी इज रिलीज। एज अ रिजल्ट वन इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इज रिलीज, ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज हो गया, सेपरेट्स एंड एटीपी इज कन्वर्टेड इनटू एडीपी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। अब एक फॉस्फेट रिलीज हुआ निकल गया तो दो फॉस्फेट रह गई। अब अगर सेल के पास कोई एक्स्ट्रा एनर्जी है जो हम फूड से आमतौर पर लेते हैं, अब उस एक्स्ट्रा एनर्जी को सेल क्या करते हैं, अगेन यूटिलाइज करते हैं, जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज हुआ था उस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को दोबारा यहाँ ऐड करते हैं और फिर एडीपी को दोबारा एटीपी में कन्वर्ट करते हैं। तो ये सेल के लिए एनर्जी अगर रिक्वायर्ड है एटीपी यूटिलाइज करेगा, अगर रिक्वायर्ड अगर सेल एनर्जी स्टोर करते हैं तब भी एटीपी को बनाता है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ये एटीपी है। अब प्लस वाटर, वाटर की एडिशन हो गई तो किस चीज़ में कन्वर्ट हुआ, जिसको हम कहते हैं हाइड्रोलिसिस रिएक्शन हो गया। एडिनोसिन डाइफॉस्फेट दो फॉस्फेट एक रिलीज हुआ, ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज हुआ, प्लस एनर्जी कितनी एनर्जी 7.3 या फिर 7300 कैलोरी एनर्जी रिलीज होती है। व्हेन अ सेल हैज एनर्जी, अब अगर सेल के पास कोई एक्स्ट्रा एनर्जी मौजूद है फिर क्या करेगा, इस एनर्जी को सेल ज़ाया नहीं करेगा बल्कि उस एनर्जी को यूटिलाइज करेगा, इस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को दोबारा एडीपी के साथ कंबाइन करेगा तो दोबारा एटीपी बनाएगा, फिर एनर्जी स्टोर होगी, फ्यूचर में फिर एनर्जी यूटिलाइज होती है। इट स्टोर्स द एनर्जी बाय कंबाइनिंग वन इनऑर्गेनिक फॉस्फेट पीआई, पीआई मींस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट विद एडीपी, इन दिस वे एटीपी इज अगेन फॉर्म्ड। ये एटीपी है, एटीपी की जब ब्रेकडाउन होती है हाइड्रोलिसिस प्लस वाटर क्या होगा, वाटर की एडिशन हो गई, एटीपी कन्वर्ट हुआ किस चीज़ में, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट ये एडीपी है, एडीपी में कन्वर्ट हुआ, एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज हुआ प्लस एनर्जी 7.3 किलो कैलोरी या फिर 7300 किलो कैलोरी एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। अब अगर सेल के पास कोई एक्स्ट्रा एनर्जी है तो सेल क्या करेगा, ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो रिलीज हुआ था इसको दोबारा कंबाइन करता है इस एडीपी के साथ, यहाँ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है तो दोनों को क्या करता है, बाइंड करता है। एटीपी एडीपी में ब्रेक हुआ था, अब दोबारा एडीपी कन्वर्ट हुआ किस चीज़ में, एटीपी में कन्वर्ट हुआ, फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। और यहाँ पर फिर जब कंडेंसेशन का प्रोसेस होगा, दो या फिर दो से ज़्यादा जब चीज़ें कंबाइन होती है एक बड़ा मॉलिक्यूल बनता है, तो साथ में वाटर मॉलिक्यूल जो है वो रिलीज होता है, और हाइड्रोलिसिस में वाटर रिक्वायर्ड होता है बॉन्ड्स की ब्रेकिंग के लिए। तो ये एडीपी का साइकिल है, ब्रोकन एंड अगेन फॉर्म्ड। एक और इम्पोर्टेंट जो बात है कि एटीपी मॉलिक्यूल्स एक फॉस्फेट लूज करेगा, अगर ज़रूरत है दूसरा भी लूज करेगा, लेकिन थर्ड जो यहाँ पर फॉस्फेट बॉन्ड है इट कैन नेवर बी ब्रोकन। ऑल्दो यहाँ पर थोड़ी सी एनर्जी मौजूद है लेकिन ये बॉन्ड नहीं टूटता, हमेशा एडीपी और फिर अगर ज़्यादा ज़रूरत है एनर्जी की तो एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। एक डाइफॉस्फेट से एक फॉस्फेट और रिलीज करते हैं तो डाई बनते हैं, दो मोनो बनते हैं, एक फॉस्फेट रह जाता है, लेकिन ये लास्ट जो फॉस्फेट है ये कभी भी ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा। तो एनर्जी स्टोर्ड भी हो रही है साथ में रिलीज भी हो रही है, एटीपी का उसमें बड़ा रोल होता है। एटीपी मॉलिक्यूल्स आर कॉन्स्टेंटली ब्रोकन बाय द सेल इनटू एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, एडीपी में और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में एटीपी ब्रेक होता है एंड एनर्जी इज ऑब्टेंड। एट द सेम टाइम एटीपी मॉलिक्यूल्स आर कॉन्स्टेंटली रीजनरेटेड, दोबारा बनते हैं फ्रॉम एडीपी जिस तरह हमने यहाँ पर पढ़ा, एंड फॉस्फेट यूजिंग एनर्जी रिलीज फ्रॉम द ब्रेकडाउन ऑफ फूड, फूड के ब्रेकडाउन से एनर्जी रिलीज हो गई, अगर वो इजाफी है इस्तेमाल में नहीं है तो फिर एडीपी से एटीपी दोबारा बनती है। दिस इज हाउ कॉन्स्टेंट साइकिल ऑफ एटीपी ब्रेक्स, एटीपी ब्रेकडाउन एंड रिफॉर्मेशन गोज ऑन इन द लिविंग सेल। इसी तरह लिविंग थिंग्स में, लिविंग सेल्स में एटीपी की फॉर्मेशन और उसके साथ साथ ब्रेकडाउन जो है कंटिन्यूसली चलता रहता है। एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राई मतलब थ्री फॉस्फेट,
इसको हम क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड, ये एक बायो मॉलिक्यूल है. क्या है? बायो मॉलिक्यूल है. इम्पोर्टेंस इसकी क्या है? इट इज़ इम्पोर्टेंट बिकॉज, क्यों इम्पोर्टेंट है हमने कहा, ये क्या है, ये एनर्जी करेंसी है. सेल के लिए क्या है? एनर्जी की करेंसी है. कंपोजिशन क्या है एटीपी की? मेड अप ऑफ फर्स्ट जो कंपोनेंट है उसको हम कहते हैं पेंटोज शुगर, और वो पेंटोज शुगर क्या है, वो है राइबोज. ये हमारे पास यहाँ ड्रा करते हैं, ये पेंटोज शुगर है, 5 कार्बन, कार्बन 1, 2, 3, 4, और ये कार्बन नंबर 5 यहाँ पर आम की शक्ल में. तो फर्स्ट जो कंपोनेंट है वो क्या है, पेंटोज शुगर है. नेक्स्ट सेकंड कंपोनेंट क्या है, उसको हम कहते हैं नाइट्रोजीनियस बेस, नाइट्रोजन बेस, और यहाँ पर जो नाइट्रोजन बेस है वो क्या है, वो है एडेनिन. थर्ड जो कंपोनेंट्स है, सॉरी थर्ड जो कंपोनेंट है, एक ही कंपोनेंट, उसको हम कहते हैं फास्फेट ग्रुप. और कितने फास्फेट हैं? 3 फास्फेट. इस वजह से हम कहते हैं एडेनोसिन ट्राइफास्फेट. अब कार्बन नंबर 1 पे यहाँ क्या अटैच है, इसके साथ अटैच है एडेनिन जो नाइट्रोजीनियस बेस है. एडेनिन अटैच है यहाँ पर कार्बन नंबर 5 के साथ, कार्बन 1, 2, 3, 4, और ये 5 कार्बन है. कार्बन नंबर 5 के साथ एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, यहाँ पर एक फॉस्फेट है, एनर्जी यूटिलाइज करेगा या एक फॉस्फेट बाइंड करेगा. फिर एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, एनर्जी अगेन रिक्वायर्ड है, 2 फॉस्फेट हो गई. एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, 3 फॉस्फेट हो गई, तो ये एटीपी का स्ट्रक्चर बन गया. ये जो 2 कर्व लाइंस है इस तरह, इसको हम कहते हैं हमारे पास हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड्स है. फॉस्फेट बॉन्ड नंबर 2 और 3 में हाई एनर्जी है. जो स्ट्रेट लाइन है उसको हम कहते हैं ये लो एनर्जी कंटेनिंग फॉस्फेट बॉन्ड है. यहाँ पर लो एनर्जी, यहाँ पर ज़्यादा एनर्जी स्टोर्ड होती है, तो ये एटीपी यहाँ इस तरह बना. अब ये जो फॉस्फेट एनर्जी या जो हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड्स हैं, ये क्या करते हैं, ये हमें एनर्जी देते हैं. कितनी एनर्जी देते हैं? 1 फॉस्फेट जब ब्रेक होता है, फॉर एग्जांपल ये वाला फॉस्फेट बॉन्ड टूट गया, एनर्जी रिक्वायर्ड है, तो कितनी एनर्जी हमें मिलता है, सॉरी कितनी एनर्जी मिलती है हमें, 8.15 कैलोरी एनर्जी हमें मिलती है एक बॉन्ड की टूटने के बाद. बाज बुक्स में यहाँ पर 7.3 किलो कैलोरी एनर्जी या 7.3 किलो कैलोरी, ओल्डर बुक्स में 7.3 लिखा है, नई रिसर्च के मुताबिक 8.15 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज होती है थर्ड जो फास्फेट बॉन्ड टूटता है. अगर इसी तरह अगर ये सेकंड ये वाला बॉन्ड टूटता है तो कितनी एनर्जी हमें मिलती है, ये बॉन्ड नंबर 2 जब टूटता है तो हमें एनर्जी मिलती है अबाउट 6.5 किलो कैलोरी. ये जब ये दूसरा फास्फेट बॉन्ड हाई एनर्जी वाला टूटता है, अगर फर्स्ट हाई एनर्जी बॉन्ड टूटता है तो 7.3 या फिर 8.15 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज होगी. अगर ये दूसरा फास्फेट बॉन्ड टूटता है तो हमें 6.5 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज होती है. और याद रखिए द थर्ड बॉन्ड नेवर ब्रेक्स, ये थर्ड बॉन्ड जो है ये कभी भी यहाँ पर मतलब यहाँ से थर्ड और यहाँ पर ये क्या है, ये फर्स्ट है. कार्बन नंबर 5 के साथ जो फर्स्ट बॉन्ड है ये कभी भी ब्रेक नहीं होगा, नहीं टूटता. नॉर्मली जो है क्या होता है, नॉर्मली एटीपी एडीपी में और उसके बाद एडीपी जो है दोबारा एटीपी में रिसाइकल होता है.
तो नॉर्मली क्या होता है, हमारे पास ये एटीपी है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट है। जब इससे एक फॉस्फेट निकलता है तो किस चीज़ में कन्वर्ट होगा, एडेनोसिन डाई फॉस्फेट में कन्वर्ट होगा। यहाँ पर एडिशन ऑफ वॉट, जो ये हाइड्रोलिसिस रिएक्शन है, एटीपी से एडीपी बना, प्लस क्या होगा, एक इन ऑर्गेनिक फॉस्फेट एट द सेम टाइम रिलीज होगा, तो यहाँ से एक फॉस्फेट बॉन्ड निकल गया, प्लस एनर्जी, कितनी एनर्जी, अगर फर्स्ट जो मतलब जो लास्ट वाला बॉन्ड है अगर वो टूटता है तो 8.15 या फिर 7.3 खेलो कैली एनर्जी रिलीज होती है। अगर सेकंड बॉन्ड टूटता है, अब यहाँ पर अगर और भी एनर्जी रिक्वायर्ड है, तो एडीपी हमारे पास था एडीपी प्लस वाटर, फिर क्या होगा, एडिनोसिन मोनो फॉस्फेट प्लस एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज होगा, और उसके साथ साथ 6.5 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज होती है। तो कॉन्स्टेंटली एटीपी की ब्रेकडाउन हो गई एडीपी में, उसके बाद अगर और एनर्जी रिक्वायर्ड है तो एडीपी जो है वो एएमपी में कन्वर्ट हो गया। जिस तरह हमारे जो मसल्स हैं उनकी कंट्रैक्शन के लिए बाज़ दफ़ा ज़्यादा हम कंट्रैक्शन करते हैं, हाई वर्क या फिर एक्सरसाइज करते हैं, तो उस टाइम एनर्जी ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है, तो एटीपी से एडीपी और कभी कभी एडीपी से फिर एएमपी भी बनता है। तो नॉर्मली जो है एटीपी एडीपी में कन्वर्ट होता है, उसके बाद अगर ज़्यादा ज़रूरत हो तो फिर एडीपी एएमपी में भी कन्वर्ट होगा। अगेन अगर सेल के पास कोई एनर्जी मौजूद है, नाउ इफ सेल हैज़ एनर्जी जो फूड से आती है, तो फिर क्या होगा, सेल क्या करेगा, अगर हमारे पास एएमपी है तो एएमपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट प्लस मतलब एनर्जी यहाँ पर रिक्वायर्ड होगी, क्या बनेगा, एक फॉस्फेट दूसरा ऐड हुआ तो बनेगा एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। इसी तरह अगर कोई और एनर्जी अगर मौजूद है तो एडीपी प्लस दूसरा इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, अगेन एनर्जी रिक्वायर्ड है, क्या बनेगा, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। मतलब हमारे पास ये एटीपी मॉलिक्यूल था, एटीपी की ब्रेकडाउन हो गई किस चीज़ में, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट में एडीपी बना। और अगेन अगर एनर्जी मौजूद है सेल के पास एक्स्ट्रा एनर्जी, तो ये एडीपी दोबारा कन्वर्ट होगा एटीपी में। अब यहाँ एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी इज रिलीज्ड प्लस इन ऑर्गेनिक फॉस्फेट इज आल्सो गिवन, और यहाँ जब दोबारा एडीपी से एटीपी बनता है तो क्या होगा, एनर्जी इज रिक्वायर्ड, एनर्जी रिक्वायर्ड है प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इज आल्सो एडेड, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट भी एड होता है, एनर्जी रिक्वायर्ड है, तो दोबारा एटीपी बनता है। अब एटीपी का जो कॉन्स्टेंट ये साइकिल है, ये इस तरह चलता रहता है। एटीपी किसने डिस्कवर किया था, एटीपी वाज डिस्कवर्ड बाय लोहमन। डिस्कवरी की जब हम बात करते हैं, एटीपी को किसने डिस्कवर किया था, होना तो स्टार्ट में चाहिए था, लेकिन चलो यहाँ पर हम पढ़ते हैं एटीपी की डिस्कवरी किसने की थी, डिस्कवरी लोहमन, एल ओ एच एम ए एन एन, लोहमन। लोहमन ने एटीपी को डिस्कवर किया था। इसकी जो एनर्जी पोजिशनिंग प्रॉपर्टी है, किसने एक्सप्लेन की थी, दूसरा साइंटिस्ट, उसका नाम था लिपमैन, एल आई पी एम ए एन एन, लिपमैन। लिपमैन ने क्या कहा था, उसने एक्सप्लेन किया था एटीपी की जो एनर्जी पोजिशनिंग प्रॉपर्टी है, एनर्जी पोजिशनिंग प्रॉपर्टी, ये जो खासियत है इसमें कि एनर्जी इसमें स्टोर्ड होती है, ये प्रॉपर्टी किसने एक्सप्लेन की थी, ये लिपमैन ने एक्सप्लेन की थी कि एटीपी एनर्जी कॉन्स्टेंटली स्टोर करता है फिर रिलीज भी करता है, और जो इसका स्ट्रक्चर है
एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट का एडेनिन, उसमें नाइट्रोजन बेस है, पेंटोज शुगर है और थ्री फॉस्फेट ग्रुप्स हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये लोहमन ने डिस्कवर किया था। अब इस वजह से कि एनर्जी पुलिसिंग प्रॉपर्टी लिपमैन ने एक्सप्लेन की थी। लिपमैन को फादर ऑफ एटीपी साइकिल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? लिपमैन को कहते हैं फादर ऑफ एटीपी साइकिल, क्योंकि उसने एक्सप्लेन किया था कि किस तरह एटीपी की ब्रेकडाउन होती है, दोबारा एटीपी किस तरह बनते हैं। तो ये हमारे पास था एटीपी और उसका स्ट्रक्चर प्लस उसकी फॉर्मेशन और दोबारा उसका जो है ब्रेकडाउन।